उसे जाना भाई। चलो बात करें जी, किस तरह की फिल्म है, क्या है ये फिल्म? एक बहुत भोले भाले इंसान की है जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश वो एक गैंगस्टर बन जाता है। और फिल्म जब आप देखेंगे तो खुद पता चलेगा, एक दो परिवारों के बीच में रंजिश है, उसको लेकर एक फिल्म आगे बढ़ती है। देखो कहानी तो सब एक सी होती है, आपने रामायण देखी होगी, उसमें एक हीरो होता है, माँ बाप होते हैं, वही विलन होता है, तो ये सब कहानियाँ एक होती हैं, स्क्रीन प्ले डिफरेंट होते हैं। तो स्क्रीन प्ले के हिसाब से आप बहुत अच्छा लगेगा, कहानी में इमोशन है, ड्रामा है, सब कुछ है, एंटरटेनमेंट है। सारी न्यू नहीं है, सिर्फ हमारे हीरो हीरोइन न्यू हैं, लेकिन बहुत अच्छे एक्टर हैं। जब मैंने उनका ऑडिशन लिया तो परफेक्ट थे, तो मुझे लेना ज़रूरी था उनको। खास बात कुछ नहीं है, बस अच्छा लग रहा है अपनी फिल्म देखना, अपने जानने वालों को दिखाना और अपने करीबी दोस्तों को बुलाकर देखना, बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, डर किसी चीज़ से नहीं लगता सर। देखो सब रेस में दौड़ते हैं, आना तो एक ही को फर्स्ट है। हमने अपना काम किया, बाकी लोग अपना देखेंगे और वो बताएंगे सर। हर आदमी न्यू से जीरो से ही शुरू होता है, गिनती हमेशा एक से शुरू, जीरो से शुरू होगी, फिर एक दो तीन चार ऐसे चली जाती है। बस सर बहुत है, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। बोलिए सर, ये इतना क्यों हो गया? अरे एक्चुअली हम लोग जब फिल्म शूट कर रहे थे तो हमारे प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब और मैं खुद एक्टर और हीरोइन सारे लोग सरफिरे, तो सरफिरे तरीके से शूटिंग की, जुनूनी तरीके से शूटिंग की, इसलिए हमने सोचा चलो इस सरफिरा नाम रख दो। एक्चुअली हाँ, कहानी ये रियल बेस्ड स्टोरी है, एक दो परिवारों की रंजिश है, आपस में एक झगड़ा होता है, वो झगड़ा कैसे बड़े लड़ाई में तब्दील हो जाता है, और वो इतनी बड़ी लड़ाई होती है जो गैंगवार में तब्दील होती है। एक सीधा साधा बंदा कैसे कैसे परिस्थितियों से गुजरते हुए एक गलत रास्ते पर चला जाता है, तो फिर उसके बाद पता चलता है कि उसकी पूरी लाइफ फेल हो चुकी है। तो दो परिवारों की आपसी रंजिश की वजह से किसी एक सीधे साधे इंसान की लाइफ फेल हो जाती है, ये एक बहुत तगड़ा मैसेज है बस यही फिल्म में। तमाशा के सामने जी जी क्या कहें, पहले तो मैं बोलूँगा उनको भी विश ऑल द बेस्ट उनकी फिल्म के लिए और उनकी तरफ से हमारी फिल्म के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक बहुत बिग स्टार और वी आर नॉट ए स्टार, हम लोग एक नॉर्मल इंसान और नाउ अभी एक्टर बन रहे हैं, और वह विशेष चाहिए पूरी पब्लिक की, आप लोग की, सबकी, कि प्लीज़ जाके फिल्म देखिए। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बिकॉज एक बहुत बड़े स्टार के सामने, दीपिका और रणवीर कपूर के सामने हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो एक तरीके से इसको कंपटीशन या टक्कर ही बोलेंगे, जैसा कि बॉलीवुड में चलता है शो मस्ट गो ऑन। थैंक यू सो मच। एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, ट्वेल्थ वाली फीलिंग। एग्जाम देने के बाद कौन सोचता है, बस पास हो जाओ, काफी इस टाइम तो हो जाओ पास। सी उनसे तो हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लाइक वहाँ पे सोचना भी अपने दिमाग को चोटे मारना होगा इस टाइम, तो अभी अपने मूवी के लिए बस थिंकिंग फॉर हैव अ बेस्ट ओपनिंग, नॉट पॉसिबल बट। अच्छा, आई एम प्लेइंग अ कर्नल डॉटर जिसको एक गैंगस्टर से प्यार हो जाता है, एंड नाउ थ्रू आउट द मूवी शी इज ट्राइंग टू मेक हिम अ सोबर गाय, सो बस अब वो सोबर बनता है, अच्छा बनता है, नहीं बनता, दैट यू हैव टू सी। या दिस इज माई डेब्यूट मूवी, आई वॉज द पार्ट ऑफ फेमिना मोस्ट स्टाइलिश डिवा 2013, आई वॉज इन दीपिका पादुकोन माई चॉइस वीडियो वो that came in a very controversial video, yes. And I did a movie with Casey Bukadia, that was a short film. So yeah, but feature film, debut film, it's my first. Yeah. Thank you so much, thank you.
प्रोमो तो मैंने देखे हैं और मैं इस फिल्म से एज एन आर्टिस्ट तो नहीं लेकिन एक टीम मेंबर की तरह से मैं हमेशा से इसमें शामिल रहा, क्योंकि सारे के सारे मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मुझे ये फिल्म में कैरेक्टर भी ऑफर किया था, लेकिन मेरी बदकिस्मती मैं कहीं उस टाइम अवेलेबल नहीं था, लेकिन मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इस फिल्म में। गाने मैंने सुने, म्यूजिक रिलीज में था, सब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। अक्की भाई और हमारे भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। इश्क सरफिरा टाइटल ही अट्रैक्टिव है, इश्क मैं हूँ और सरफिरा ये है। तो सुनील भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमेशा हमें सपोर्ट करने के लिए आगे खड़े रहते हैं। और नहीं, ये तो परिवार की बात है, क्योंकि मैंने कहा ना शुरू से मैं इस टीम में जुड़ा रहा टीम मेंबर की तरह। सर को बहुत मुबारक हो। हमारा दीनू जो इसका म्यूजिक डायरेक्टर है, जो हमारी फिल्म भावना को समझो का भी था, मनी बैग गारंटी का। अच्छा लो, कोई बात नहीं, आगे वाली फिल्म कर लो। और साथ साथ में अक्की के साथ में मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर रहा हूँ, रजनी की लग गई, तो उसमें भी हम लोग दोनों साथ में, और बड़ी कॉमेडी फिल्म है, धमाल फिल्म है। तो इस तरह से एक टीम मेंबर हम होने के नाते इसमें शामिल, और मज़ा आ रहा है। तो आप कितने एक्साइटेड हो? मैं एकदम इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं एक साइड में खड़ा हो गया हूँ कि भाई ये फिल्म जल्दी दिखा दो फिल्म मुझे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर एक दिन इतना पैसा कमाएगा कि खुशी से कहेगा, फिल्म में रतन धन पायो, बहुत सारा धन पायो। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नर्वस ऑल्सो और एक्साइटेड तो इतना है कि पूछिए मतलब बेइंतहा बता नहीं सकते कोई मतलब नो वर्ड्स। अच्छा ट्रेलर देखकर क्या क्या कॉम्प्लीमेंट मिले थे आप सभी से एक एक ट्रेलर देख के? तो अभी तक तो किसी ने उसको कमज़ोर नहीं बोला है और अभी तक किसी ने उसकी बुराई नहीं की है और इंशाल्लाह 27 नवंबर को जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उसके बाद भी मुझे लगता है कि उसकी बुराई नहीं होगी क्योंकि बहुत मेहनत से फिल्म बनी है। बहुत अच्छा लगा लोगों को ट्रेलर देख के, सब ने बहुत तारीफ़ की, बाकी फिल्म देख के पब्लिक बताएगी 27 को। सब लोगों को एक्सपेक्टेशंस तो है ही, अब कैसे हो पता नहीं, बट यस द मूवी विल गो गुड, पॉजिटिव रिस्पॉन्स बाय नाउ। पहले ऐसे लग रहा था लेकिन आज जब मूवी या ट्रेलर वगैरह देखा है, हम गुड़गांव जो सिटी टूर करके आए हैं तो उसमें मैं पहले कुछ था मेरे डाउट लेकिन अभी पूरे नो डाउट और क्लियर हो गया और बहुत खुशी है और बहुत अच्छा जो मेरे सपोर्ट किया है, जो मेरे हीरो है, डायरेक्टर है, हीरोइन पूरे आने ऑल कास्ट जो मेरी है उसको बहुत सपोर्ट करके उसको सबको थैंक यू बहुत बहुत। आपसे जानना चाहूँगा कि फिल्म की कहानी किस तरह की है, क्या कुछ स्टोरी होगी? कहानी एक गांव से शुरू होती है, हमारे दिल्ली के नजफगढ़ के गांव ऐसे रखा है तो उसी से शुरू होती है कहानी। एक अच्छे स्टूडेंट की है, एक अच्छे लड़के की है जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, फिर धीरे धीरे हालात ऐसे पैदा होते हैं कि वो गैंगस्टर बन जाता है। तो इसके बाद में आप देखेंगे 27 को कि कैसे कहानी आगे बढ़ती है। आप दोनों के किरदार के बारे में जानना चाहूँगा और किरदार को लेकर क्या कुछ प्रिपरेशन की थी आप दोनों? जी हाँ, प्रिपरेशन तो बहुत कुछ करनी पड़ी थी क्योंकि मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ी। मुझे बोला गया कि एक सीधे साधे लड़के का रोल है जो कि मैं दिखता नहीं हूँ तो पहले तो सीधे साधे लड़के का रोल करने के लिए मुझे डाइट फॉलो करना पड़ा और एकदम सीधा साधा लड़का बनने के बाद फिर सेकेंड हाफ जो है वो एक गैंगस्टर का है, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। बहुत मेहनत के बाद फिर किरदार को निभाया और जब 27 को रिलीज़ होगी तो पूरा किरदार आपको पता चलेगा। मैंने ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन को सुधारने की प्रिपरेशन की थी तो हाँ मतलब थोड़ा बहुत। सो आई एम प्लेइंग अ कर्नल डॉटर, तो जो थ्रू आउट लगी रहती है मिस्टर बलबीर को सुधारने में, तब वो सुधार पाती है या नहीं पाती अभी आपको देखना पड़ेगा। हाँ ये बड़ा एक बहुत मतलब मुश्किल होता है एक डायरेक्टर को स्टार कास्ट फाइनल करने के लिए, लेकिन मेरे को मेरे प्रोड्यूसर की सपोर्ट थी कि आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो ये दोनों हमारे इतने अच्छे टैलेंट हैं। बाकी आप देखेंगे कि मैंने कोई गलती तो नहीं की। यही कहूँगा सर, 27 को हमारी पिक्चर देखिएगा और हमें आशीर्वाद दीजिए। रिलीज हो रही है 27 और हमें आशीर्वाद दीजिए, सब लोग जाइए देखिए और सुपर हिट करिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। हम थैंक यू, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो प्रोडक्ट सबके सामने आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं उनकी तरफ से, क्या कॉम्प्लीमेंट मिले हैं फिल्म को? फिल्म को बहुत अच्छे रिएक्शंस मिल रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रही है क्योंकि एक जैसा कि फुल ऑफ एक्शन फिल्म है, गैंग वॉर बेस्ड फिल्म है, तो इस तरीके का सिनेमा काफ़ी समय से लोगों ने नहीं देखा है। दबंग आई थी फिल्म उसके बाद से, तो लोगों को एक वापस एक स्पेशल फ्लेवर जो एक गैंगस्टर की स्टोरी के ऊपर है वो मिल रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। थोड़ा कुछ कहानी के बारे में अगर ऑडियंस को बता दें। कहानी है इस सरफिरा की, वही एक लड़का है जो एक IPS ऑफिसर बनना चाहता है और वो किस तरह से एक पूरे सोशल सिस्टम और एक जो एक आपका एक लॉजिस्लेशन का और एक लॉ का सिस्टम होता है उससे किस तरह विक्टिमाइज हो जाता है और वो फिर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता है, उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी। फिल्म के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर में आइए, फिल्म को सराहिए और जैसा भी काम किया है उसके उसके बाद रिलीज के बारे में पूछे। मेट्स एंटरटेनमेंट कंपनी है हमारी जिससे हमने मिलकर रिलीज़ किया है, मेरा नाम जयवीर पंघाल है और मेरी टीम है पूरी, उन सब ने मिलकर इस फिल्म को रिलीज़ किया है। तो तुगस भाई का प्यार है जो प्रोड्यूसर है पिक्चर के, तो बार बार बोलते हैं कि जयवीर भाई ने किया, जयवीर भाई ने किया, बस वो है कि हम सब ने मिलकर किया है। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? जयवीर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ मैं, जो ये रिलीज़ कर रहे हैं और इतना प्लेसमेंट मेरे को दे रहे हैं जो उम्मीद से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो इनके लिए बार बार धन्यवाद। मेट्स एंटरटेनमेंट जो रिलीज़ कर रही है जयवीर पंघाल, उसको बार बार धन्यवाद। प्यार है आपका, थैंक यू वेरी मच।